धर्मजगढ़ क्षेत्र के छाल बोजिया मार्ग में मुर्गी से भरी पॉलिट्री वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए खेत में जा घुसी। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 के माध्यम से धर्मजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, आज समय करीब 12 से 1 के बीच छाल बोजिया की ओर से पॉलिट्री वाहन में मुर्गी लोड कर पत्थल गांव के लिए रवाना हुई थी। उसी दरमियान बताया जा रहा है, पत्थल गांव इंजको गांव निवासी पॉलिट्री वाहन चालक अनूप साय वाहन में मुर्गी लोड कर पत्थल गांव जा रहा था, तभी पुरुंगा गांव के पास घाट में सामने से आ रही अज्ञात तेज रफ्तार बाइक को बचाने की फिराक में वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए खेत में जा घुसा। हादसे में चालक अनूप के सीने में चोट आई है। वहीं चालक अनूप के अनुसार हादसे के बाद कुछ ग्रामीणों द्वारा वाहन में लोड मुर्गियों को जैसे बना वैसे उठाकर चलते बने, साथ ही पॉकेट में रखे करीब 3000 रुपये वाहन लाइसेंस को भी ले गए। बाद में वहीं से गुजर रही एक और पॉलिट्री वाहन के माध्यम से बची हुई मुर्गियों को लोड कर अपने गंतव्य की ओर भेजा गया। फिलहाल सूचना पर 108 के जरिए घायल पॉलिट्री वाहन चालक अनूप साय को धर्मजगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। शेख आलम, धर्मजगढ़, रायगढ़।